इंदौर के यूट्यूबर रॉबिन अग्रवाल उर्फ ओए इंदौरी अभी दुष्कर्म के मामले में फरार है। पुलिस टीम गठित कर उसके परिजन और परिचितों के यहाँ पर लगातार दबिश दे रही है। फरार चल रहे यूट्यूबर पर इनाम घोषित करने के लिए भी प्रतिवेदन भेजा गया है। इंदौर के मशहूर यूट्यूबर रॉबिन अग्रवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। उसके खिलाफ सबसे पहले एक युवती द्वारा MIG थाने में दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में शिकायती आवेदन दिया गया था। इसके बाद रॉबिन द्वारा राजीनामा कर आवेदन को शिथिल किया गया। फिर दोबारा से युवती से हुए विवाद के बाद युवती ने पूरे मामले में MIG थाने पर दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया है। इसके बाद से ही रॉबिन फरार चल रहा है। आरोपी जो है घटना दिनांक से इसमें फरार है। एक विशेष टीम इसकी गिरफ्तारी के लिए तैयार की गई है जो सभी संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है। साइबर टेक्निकल आधार पर भी आरोपी की पतारसी के प्रयास किए जा रहे हैं। आरोपी की गिरफ्तारी हेतु इनाम उद्घोषणा का भी प्रतिवेदन भेजा गया है जिसमें जल्दी इनाम भी घोषित किया जाएगा। इसके अलावा आरोपी द्वारा अग्रिम जमानत का भी प्रयास किया गया था जो माननीय न्यायालय द्वारा जमानत भी निरस्त की। आरोपी रोबिन अग्रवाल हैं जो महालक्ष्मी नगर में निवास करते हैं, वर्तमान में फरार है। इसमें आरोपी के परिजनों से पूछताछ की गई है। आरोपी के घर पर भी तलाश की है और संभावित जिसके ऑफिस या अन्य परिजन या रिश्तेदार हैं यहाँ पर भी तलाश की गई है लेकिन आरोपी से अभी कोई कॉन्टेक्ट में नहीं। इसमें टेक्निकल आधार पर आरोपी की पता रसिंग प्रयास किया जा रहा है। आरोपी रॉबिन अग्रवाल द्वारा न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई गई थी जो न्यायालय ने खारिज कर दी है। अब रॉबिन फरारी काट रहा है तो वहीं उसकी तलाश के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित भी की है। साथ ही रॉबिन के खिलाफ इनाम घोषित करने को लेकर MIG पुलिस द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को एक प्रतिवेदन बनाकर भेजा गया है ताकि उस पर इनाम घोषित हो सके और मुखबिर तंत्र के आधार पर वह पकड़ा जा सके। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।